राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। आम आदमी पार्टी ने रविवार को लुटियंस दिल्ली में अपने नए कार्यालय में शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया कार्यालय पंडित रविशंकर शुक्ला रोड पर है। यहां आम आदमी पार्टी ने अपना बोर्ड लगा दिया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी का पुराना दफ्तर 206 राउस एवेन्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITO नई दिल्ली हुआ करता था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार की ओर से नया दफ्तर अलॉट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अब पार्टी की सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम नए कार्यालय में होंगे। दरअसल 31 दिसंबर 2015 को दीनदयाल मार्ग पर आम आदमी पार्टी ने अपने नए दफ्तर की शुरुआत की, लेकिन जून 2017 में PWD ने दफ्तर को अवैध अतिक्रमण बताया और 27 लाख रुपए का नोटिस भेजा था। इसके बाद 2019 में राउस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसके एक्सपेंशन का प्लान आया था। इसके बाद पार्टी कार्यालय को दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। 10 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।